from Pune. The minor who was driving the speeding Porsche that killed two people was granted bail within 15 hours of his detention, something that is unheard of. On Saturday, a couple ऐसी न्यूज़ से हम बहुत शॉक्ड तो फील करते हैं, बट क्या कभी हमने जाना ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, वेलकम टू डे 2 ऑफ लॉ की पाठशाला सीरीज, जहां पे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कोई भी एक्ट या क्राइम अगर हमारे देश में कोई माइनर कर लेता है जिसकी एज 18 ईयर से कम है, तो उसको लॉ डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है. और ऐसा क्यों? बिकॉज उनके केस में हमारे देश के कानून कोई डिफरेंट तरीके से लागू होते हैं, जहां पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. और ये एक्ट एक माइनर को, एक बंदे को वही सेम क्राइम के लिए डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसका एज 18 ईयर है उससे ज्यादा है. और ये डिफरेंट ट्रीटमेंट सिर्फ ऐसे केसेस में नहीं बल्कि दूसरे कानून में भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलएलपी, पार्टनरशिप में भी देखा जाता है. अगर आप सीए या कॉमर्स के बच्चों तो आप जानते ही हो कि पार्टनरशिप में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें बताया जाता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड. हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और करते भी है तो हम उस पर वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता, इट इज वॉइड, हम उस पर केस नहीं कर सकते. तो माइनर के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो थोड़ा बच के. इसका भी एक एक्सेप्शन है और मैं वो एक्सेप्शन का वेट करूंगा. कमेंट बॉक्स में किया कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वैलिड आल्सो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो मेरे सीए फाउंडेशन के दोस्तों कमेंट में जरूर बता के जाना. मिलते हैं नेक्स्ट रील में, शेयर कर देना एंड फॉलो मी फॉर मोर सच इनसाइटफुल कंटेंट.